नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी। दोस्तों, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अनुसार श्री राधा रानी ने गोप कुमारियों को कहा कि गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से, मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः यह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वहीं सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना से उन सब तिथियों के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती है और उनके नाम क्रम से इस प्रकार है। ऐसा श्री राधा रानी कह रही है गोपियों को। उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, परुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसेनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापकुंसा, रमा और प्रबोधनी। दो एकादशी तिथियां मल मास की होती है, उन दोनों का नाम सर्वसंपत् प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है, वह भी वर्ष भर की द्वादशी एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी उत्पत्ति कथा इस प्रकार से है, जिसको श्री भगवान ने युधिष्ठिर के पूछने पर उजागर किया था। सतयुग में एक मूर नामक दानव हुआ। वह बड़ा ही रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस दुरात्मा महासुर ने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीत लिया था। सभी देवता उससे परास्त होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। सभी देवतागण इंद्र के नेतृत्व में महादेव के पास गए और उनसे इस विपत्ति को दूर करने का उपाय पूछा। तब महादेव जी ने कहा कि देवराज, आप सभी देवताओं के साथ भगवान गरुड़ ध्वज के पास जाए, वे ही आपके कष्ट का निवारण करेंगे। महादेव के कथनानुसार परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ भगवान गदाधर के निवास स्थान क्षीर सागर में गए, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने सभी विपत्तियों के बारे में प्रभु को बतलाया और निवारण के लिए प्रार्थना की। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देव देवेश्वर चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह मूढ़ दैत्य निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का वचन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है, उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर कहा कि खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरे इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए उस दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था, वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोता देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा।
दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़े ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध की याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर ओंकार मात्र से राग का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली कि स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा कि कल्याणी, तुम्हारे इस क्रम से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त होकर करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान ने एकादशी की इच्छा पूरी की और उन्हें वो वरदान दे दिया। इसीलिए इस मास की एकादशी यानी कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है, उनकी विशेष पूजा की जाती है। विष्णु जी के साथ ही देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन संबंधी कार्यों में आ रही परेशानियां खत्म हो सकती है। इस दिन पूजा पाठ से जुड़े हुए कौन कौन से शुभ काम किए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। भगवान विष्णु तथा महालक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें। दूध में केसर मिलाएं। शंख में ये दूध डालकर भगवान श्री हरि तथा माता महालक्ष्मी का अभिषेक करें। दीपक जलाएं। पूजा में लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः तथा भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन दोनों मंत्र का एक एक माला यानी कि 108 बार जाप करें। भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं। गुलाब के लाल फूल चढ़ाएं। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के मंदिर में जाएं और देवी को कमल के फूल चढ़ाएं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे पंचमुखी दीपक जलाएं। विष्णु जी तथा देवी लक्ष्मी से धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। देवी के श्री चरणों में श्री यंत्र रखकर उसका पूजा करें। पूजा के बाद श्री यंत्र को तिजोरी में रखें। घर के उत्तर पूर्व दिशा में गाय के शुद्ध घी में केसर डालकर दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी की पूजा करते समय चांदी के सिक्के की भी पूजा थाली में रखकर करें और पूजा के बाद इन सिक्कों को तिजोरी में रख दें। शुक्रवार की शाम देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन करें। पूजा में देवी लक्ष्मी के श्री चरणों में 7 कौड़ियाँ रखें और पूजा के बाद ये कौड़ियाँ भी तिजोरी में रख सकते हैं। माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन ये 9 बत्ती वाला दीपक जलाएं, इससे माता महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती है।